फ्री में सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स का बाप को, और नए से नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज वो काला दिन है जब 13 अप्रैल आज ही के दिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आज से 99 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में मौजूद निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस नरसंहार का बदला हमारे एक वीर युवक ने ले लिया था? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 10 अनसुनी बातें जो आप शायद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं। तो कोई भी सच्चाई जानना चाहते हो आप, तो देखिए मेरा चैनल फैक्ट्स का बाप। दोस्तों, आज जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं बरसी है। अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेंपल से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। उस दिन बैसाखी थी और जलियांवाला बाग में कई सालों से बैसाखी के दिन मेला भी लगता था, जिसमें शामिल होने के लिए उस दिन सैकड़ों लोग वहां पहुंचे थे। तब उस समय की ब्रिटिश आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। वहां मौजूद लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश भी की थी दोस्तों, लेकिन रास्ता बहुत संकरा था और डायर की फौजों ने उस रास्ते को रोक कर रखा था। इसी वजह से वहां के लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश आर्मी ने बिना रुके लगभग 10 मिनट तक गोलियां बरसाई। इस घटना में करीब 1650 राउंड फायरिंग हुई। बताया जाता है कि सैनिकों के पास जब गोलियां खत्म हो गई तभी उनके हाथ रुके थे। कई लोग जान बचाने के लिए बाग में बने एक कुएं में कूद गए थे, जिसे अब शहीदी कुआं कहा जाता है। यह आज भी जलियांवाला बाग में मौजूद है और उन मासूमों की याद दिलाता है जो अंग्रेज के बुरे मंसूबों का शिकार हो गए थे। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस फायरिंग में लगभग 389 लोगों की जान गई थी और 1200 लोग जख्मी हुए थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुताबिक उस दिन 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे, जिनमें से 120 की लाशें कुएं में से मिली थी और 1500 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। जनरल डायर रॉलेट एक्ट का बहुत बड़ा समर्थक था और उसे इसका विरोध मंजूर नहीं था। इसकी मंशा थी कि इस हत्याकांड के बाद भारतीय डर जाएंगे, लेकिन उसके ठीक उलट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरा देश आंदोलित हो गया। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस हत्याकांड की पूरी दुनिया में आलोचना हुई। आखिरकार दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद डायर का डिमोशन कर उसे कर्नल बना दिया गया और साथ ही उसे ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स ने डायर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस हत्याकांड की तारीफ करते हुए इसका प्रशस्ति प्रस्ताव पारित किया। बाद में दबाव में ब्रिटिश सरकार ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया और 1920 में डायर को इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, अब आता है हमारा बदले का समय, जब हमारे एक वीर ने, जिनका नाम उधम सिंह है, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को लंदन गए। वहां उन्होंने कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये हुई कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को भीतर तक प्रभावित किया। बताया जाता है कि जब भगत सिंह को इस हत्याकांड की सूचना मिली तो वो अपने स्कूल से 19 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी ऐसी 10 अनसुनी बातें जिसे मैं आपके साथ साझा किया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।
चलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, टेक केयर एंड बाय बाय।